इस व्यवसाय से होता है जिसका स्वामित्व एक संचालन एक हिंदू परिवार के मुखिया सदस्य करते हैं। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है जिसे कर्ता कहा जाता है। सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है तथा उन्हें सहज मानसी कहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है घर में और जो जिसका व्यवसाय पर नियंत्रण होता है उसे मुखिया और कर्ता कहते हैं। और सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर स्वामित्व होता है और उन्हें क्या कहते हैं, सहज समासी। तो इन परिवार के व्यवसाय में सदस्यों को शासित करने की दो प्रणालियां हैं, दयाभागी प्रणाली और मिताश्रय प्रणाली। दयाभागी प्रणाली मेनली पश्चिम बंगाल में प्रचलन में है एवं इसमें जो परिवार के मुख्य के पुरुष एवं स्त्री सदस्य ही सहसमासी होते हैं, सहसमासी यानी जिनके पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार होता है। और मिताश्रय प्रणाली में क्या होता है, ये प्रणाली पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू की जाती है और ये इसका अपोजिट होता है। इसमें दोनों ले सकते हैं, पुरुष और स्त्री, और इसमें पुरुष सदस्य ही सहसमासी बन सकते हैं। अब इसके कुछ लक्षण हैं कि निर्माण, इसका संयुक्त हिंदू परिवार का निर्माण बहुत आसान होता है। बस इसमें हमें क्या चाहिए, परिवार में कम से कम दो सदस्य एवं वह पैतृक संपत्ति हो यानी पूर्वजों से प्राप्त की गई संपत्ति हो जो उन्हें विरासत में मिली हो, और व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार में जो हमें सदस्यता जन्म के कारण ही मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट है दायित्व, कर्ता को छोड़कर सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय की सहज मासिक संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होता है। यानी कर्ता जो सबसे बड़ा होगा और मुखिया होगा उस व्यवसाय का, उसको छोड़कर बाकी सबको सदस्य को बराबर उसको में अंश मिलता है। नियंत्रण, परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है यानी जो व्यवसाय चलेगा उस पर कर्ता का नियंत्रण होगा। जितने भी निर्णय होंगे व्यवसाय को लेकर वो कर्ता ही करेगा, जिसको जो कर्ता के निर्णय को बाकी कोई सदस्य इसमें बाध्य नहीं बन सकता। और फोर्थ पॉइंट है निरंतरता, कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय चलता रहता है क्योंकि सबसे बड़े आयु का सदस्य कर्ता का स्थान ले लेता है जिससे व्यवसाय में स्थिरता नहीं आती। यानी जो पहले बुजुर्ग सबसे बड़ा जिसकी उस संयुक्त हिंदू परिवार में जो सबसे बड़ा उम्र का था वो पहले था मुखिया जो कर्ता हुआ, और उसके बाद अगर वो मर जाता है तो उस परिवार में जो उसे उसके अलावा जो बड़ी एज का है रह गया अब वो उसके स्थान ले लेगा जिससे व्यवसाय में स्थिरता नहीं आती है। और फिफ्थ है नाबालिग सदस्य, व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त पैदा परिवार में जन्म लेने के कारण होता है यानी कोई। अब इसके गुण हैं, फर्स्ट है हमारा प्रभावशाली नियंत्रण यानी कर्ता के पास निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है क्योंकि वो उसका उस व्यवसाय का सबसे बड़ा होता है, उस घर में व्यवसाय में सबसे बड़े उम्र का होता है जो कर्ता है और उसके पास निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। और इसमें निर्णय शीघ्र लिया जाता है तथा उनमें लचीला बनाता है। निर्णय इसमें शीघ्र लिया जाता है क्योंकि कर्ता के पास पूर्ण अधिकार होता है कि वह अपने स्वतंत्र निर्णय ले और उसमें जो जितने भी बाकी सदस्य हैं वो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सेकेंड है स्थायित्व, कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इसमें जो परिवार में जो सब उसका स्थान ले लेता है जो अधिक सबसे अधिक आयु का व्यक्ति होता है। कर्ता की मृत्यु हुई है उसमें उस सदस्य का कोई बड़ा और अगला व्यक्ति जो जिसकी उम्र बड़ी है वो उसका स्थान ले लेता है, इसलिए व्यवसाय को बंद करना या फिर उसको स्थिर करना की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्ड है सदस्यों का सीमित दायित्व, व्यवसाय में हानि या लाभ बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कर्ता इस व्यवसाय में कर्ता को छोड़कर जो हानि और लाभ होगा वो किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, सदस्यों को यानी जो वहाँ के सहसमासियों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक सीमित होता है, इसलिए जितने भी जोखिम और हानि और या लाभ होगा तो वो सहसमासियों को होगा, इसलिए इसका सदस्यों की सीमित दायित्व होता है। नेक्स्ट है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि, एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उस संयुक्त जो व्यवसाय चल रहा है उसमें उसके घर के ही सारे लोग हैं तो उनमें जो ट्रस्ट होगा वो उनका ज़्यादा होगा, एक दूसरे पर भरोसा उनको ज़्यादा होगा और जो इनके व्यवसाय जो आगे बढ़ेगा जितना वो अपटक जाएगा उतना ही उनके परिवार को फ़ायदा होगा तो उनमें उनको खुशी भी मिलती है, तो यही होगा निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। अब इसकी सीमाएँ,
फर्स्ट है हमारा सीमित साधन। व्यवसाय में मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर आश्रित होते हैं। जो उनका व्यवसाय चलता है वो उनकी पूर्वजों की संपत्ति पर आश्रित होता है, इसलिए इसके सामने सीमित पूंजी का समस्या रहती है। अब पूर्वजों की संपत्ति है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, इसलिए उनके सामने जो सीमित संसाधन की कमी होती है और इससे उनको सीमित साधन मिलता है और इनके सामने फिर सीमित पूंजी की समस्या रहती है। और नेक्स्ट है हमारा कर्ता का असीमित दायित्व। कर्ता पर न केवल निर्णय लेने एवं प्रबंधन के उत्तरदायित्व होते हैं बल्कि उस पर असीमित दायित्व का बोझ होता है। मतलब कर्ता पर न सिर्फ व्यवसाय का निर्णय लेना और उसको चलाने का उत्तरदायित्व होता है, बल्कि अगर उसने किसी से ऋण लिया है तो और वो उस ऋण को दिए गए समय में नहीं चुका पाया तो उसे अपनी निजी वस्तुओं को बेचकर उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। तो यही हमारा कर्ता का असीमित दायित्व होता है। नेक्स्ट है हमारा कर्ता का प्रभुत्व। कर्ता अकेले ही व्यवसाय का प्रबंधन करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार नहीं होता और उनमें टकराव हो जाता है। यानी कर्ता उस व्यवसाय का अकेले ही प्रबंधन करता है, यानी उसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को अच्छा नहीं लगता कि हमारे जो कोई बात ही नहीं मानी जा रही, तो उनको ऐसी फील होती है जिससे उनमें टकराव भी बन जाता है। सीमित प्रबंधन कौशल। यह आवश्यक तो नहीं कि कर्ता सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ हो, इसलिए व्यवसाय को उसके मुख्यत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम भुगतना होता है। यह जरूरी नहीं है कि जो व्यवसाय में जो कर्ता है उसको सभी चीजों का ज्ञान हो वो, और बाकी हो सकता है कि उसको एक चीज में अच्छे से नॉलेज मिली हो और दूसरी उसके समझ से परे हो, लेकिन उसमें वो करता है क्योंकि तो उसने उसमें निर्णय लिया और वो निर्णय अच्छा नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उस पूरी फैमिली को यानी संयुक्त हिंदू परिवार को भोगना पड़ेगा। ऋण को दिए गए समय में नहीं चुका पाया तो उसे अपनी निजी वस्तुओं को बेचकर उस ऋण को चुकाना पड़ेगा।